नमस्कार, शेफ रोमिन किचन रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे शोले, शोले पिक्चर वाले शोले नहीं, आज हम बनाएंगे दही के शोले, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इनको सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, शाम को आपको स्टार्टर में चाहिए तो भी आप खा सकते हैं, अगर कोई पार्टी है तो भी आप इनको बना के सर्व कर सकते हैं, सब आपकी वाहवाही कर जाएंगे क्योंकि है इतने टेस्टी। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दही के शोले बनाने के लिए हमको सबसे पहले दही चाहिए। ये हंकड़ दही है मेरे पास, मैंने इसका पानी निकाल दिया कपड़े में बांध के। ये 500 ग्राम दही है और हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। ये 100 ग्राम समथिंग रह गया है, इसका पानी सारा निकल गया। बहुत ही स्मूथ दही है, देखिए आप, बढ़िया। अब इसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच में। इसमें गाजर है, ये मेरे पास चॉप कर लिया मैंने उसको, मैं ये भी इसमें ऐड कर दूंगा। एक चम्मच ही हमारे पास कैप्सिकम था और एक चम्मच ही हमारे पास कैरेट है। एक बड़ा चम्मच समथिंग ये हरा धनिया है, मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगा। एक छोटा चम्मच ये टमाटर है, मैंने इसको चॉप कर लिया है, इसके बीज निकाल लिए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये 100 ग्राम पनीर है, मैं इसको भी ग्रेट कर लूंगा इसमें। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, दही है, पनीर है, हमारी सारी वेजिटेबल्स हैं, हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसकी सिजलिंग करेंगे, हम इसमें मसाले मिलाएंगे। एक छोटा चम्मच में इसमें चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ। आधा चम्मच ये ब्लैक पेपर है, ये भी ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। अगर ब्लैक पेपर नहीं है आपके पास तो आप 4-5 साबुत काली मिर्ची कूट कर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ब्लैक पेपर से। और एक चम्मच समथिंग मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ इसमें, आप स्वाद अनुसार डालिए हमेशा नमक। हमारे दही के शोलों का मसाला बनके तैयार है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगा जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। हमारा मसाला जब तक फ्रिज में रखा है हम अपनी ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 5 पीस ब्रेड ले लिए हैं, अब मैं इनको साइड इनकी काट लूँगा। ब्रेड आप फेंके नहीं, आप इनको सुखा के इसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है, ये यूज आ जाते हैं। हमने कटिंग कर लिया ब्रेड की, अब मैं इनको अच्छे से बेल लूंगा। देखिए आप, हम इसी तरीके से अपनी सारी ब्रेड बेल लेंगे। मैंने ब्रेड को चारों तरफ से बेल लिया, देखिए आप, अच्छे से। अब मैं इसको पानी लगा लूंगा ब्रश से, एक साइड ही लगाना है। देखिए आप, मैंने अच्छे से पानी लगा लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लगाएं आप, थोड़ा सा ही लगाएं, मैं इसलिए ब्रश से लगा रहा हूँ, हाथ से नहीं लगा रहा हूँ। हमारी तैयार है, अब हम स्टफिंग ले आते हैं फ्रिज से निकाल के। स्टफिंग ले आए हैं, देखिए आप, फ्रिज से निकाल के फ्रिज में रखे रखे सेट हो चुकी है। देखिए आप, 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा था, अब हम थोड़ी सी स्टफिंग अपने ब्रेड पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, देखिए आप, और इसको फोल्ड कर देंगे, देखिए ऐसे। ये जो हिस्सा है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी, ये देखिए हमने ऐसे कर दिया। ये देखिए हमारा ब्रेड रोल थोड़ा सेट है। अब मैं एक पॉलीथीन ले लूँगा जिसमें ये ब्रेड का पैकेट था, ये वही पॉलीथीन है, मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, देखिए आप, कुछ इस तरीके से, और मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगा पॉलीथीन में। फोल्ड करने के बाद और मैं इसको दबा दूँगा इस तरीके से, देखिए आप, कुछ घुमा दूँगा इस तरीके से ऐसे। देखिए हमारे दही के शोले तैयार हैं, कितने बेहतरीन बने हैं। आप देखिए मैंने साइड से जो दबाए हैं पॉलीथीन से, अच्छे से हो गए। इसी तरीके से हम अपने सारे शोले बना लेंगे। हमने दही के शोले बना लिए, देखिए अब इनको डीप फ्राई करना है। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल ले लिया है थोड़ा, ये गर्म हो गया है, हमको हल्का गर्म करना, ज़्यादा नहीं। अब इसमें दही के शोले हम अपने ऐड करेंगे, देखिए आप, मीडियम हाई रखना है हमको, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए,
और बहुत ऑयल हमारा नॉर्मली रहे, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो हमारी प्लेट जल सकती है। हम दही के छोलों को एक बार हल्का सा पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से सिक जाए। देखिए एक तरफ से कलर आ चुका है, मैं इधर से पलट दूंगा। छोले हमारे एकदम क्रिस्पी करारे हो चुके हैं, अब हम उनको निकाल लेंगे। देखिए बढ़िया हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी करारा है। देखिए बढ़िया बेहतरीन, अब हम उसको प्लेटिंग करेंगे। अब इनको निकाल के एक मिनट रेस्ट देंगे, इनको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको काट के सर्व करेंगे। मैं हल्का सा टिश्यू पेपर से पोंछ लूँगा अगर ऑयल हो, वैसे तो उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कितने क्रिस्पी हैं, देखिए आप बेहतरीन, आपको आवाज़ आ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाए कितने बेहतरीन हमारे दही के छोले बने हैं। देखिए करर करर की आवाज़ आ रही है, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। अब हम इनको बीच में से काट लेंगे। देखिए ऐसे, देखिए हमारे दही के छोले बेहतरीन। इसी तरीके से हम सारे छोले काट लेंगे। इनको प्लेटिंग करेंगे, ये फ्रेश कोरिएंडर लगा देंगे हम। दही के छोले हमारे तैयार है, देखिए आप कितने बेहतरीन लग रहे हैं। दही के छोले हमारे तैयार है, आप भी एक बार जरूर बनाइए। घर पे कोई गेस्ट आने वाला है तो उसको बना के स्पेशली खिलाइए, मजा आ जाएगा, आपकी तारीफ के पुल बन लेंगे अगर आप इस तरीके से दही के छोले बनाएंगे तो। प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप दही के छोले जरूर बनाइए और सबको खिलाइए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।